धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स राज्य चैंपियनशिप में विश्वविद्यालय के 7 दिव्यांग विद्यार्थियों ने 4 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीते हैं। दिलचस्प यह है कि इन छात्रों ने इसके लिए ना कोई ट्रेनिंग ली और ना ही कभी इस तरह की प्रतियोगिता देखी थी। छात्रों ने अपने कुछ कर दिखाने के जुनून और अपनी शारीरिक कमियों पर जीत हासिल करने की इच्छा भर से विभिन्न खेलों में जीत हासिल की। मैम, ये जो है इवेंट 24 से 27 दिसंबर जो है धर्मशाला में आयोजित किया गया था और मैंने इसमें जो है 100 मीटर रेस और जेवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट किया था और इसका परिणाम ये रहा कि T13 कैटेगरी में जो है मैंने लॉन्ग जंप में जो है गोल्ड और सिल्वर, 2 सिल्वर मेडल जो है, एक जेवलिन थ्रो में और 100 मीटर में जो है। मैम, हम यूनिवर्सिटी से मैम 7 बच्चे गए थे और हम 14 मेडल लाए हैं। हमें तकरीबन एक हफ्ते पहले पता लगा कि ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है तो हमने मीटिंग किया कि हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैम जो जो लोगों की मानसिकता है कि डिसेबल बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं जाते हैं, तो हमने इसी को बदलना था। तो इसीलिए हमने मीटिंग की और एक दिन में ही हमने लास्ट दिन ये मीटिंग की जाना है। ये सर 25 से 27 दिसंबर को हुई थी सर, और 12 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे थे, तकरीबन 150 आए थे बच्चे। इन छात्रों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने दिव्यांग विद्यार्थियों की अभूतपूर्व सफलता पर उन्हें बधाई दी है और अब भविष्य में विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों को भी सभी प्रकार की खेल गतिविधियों में शामिल करने व खेल ट्रेनिंग व सुविधा देना सुनिश्चित किया है। विश्वविद्यालय के विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि असुविधाओं का सामना करने के बावजूद दिव्यांग विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि अब इन छात्रों की रुचि को देखते हुए इन्हें विभिन्न खेलों से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। ये विद्यार्थी हमारे यहाँ के 7 गए थे स्टेट पैरा स्पोर्ट्स में जो धर्मशाला में हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और जो स्पोर्ट्स अफेयर्स है भारत सरकार की, उसके उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य सरकार द्वारा संचालित होती है। तो इसमें इन विद्यार्थियों ने 7 विद्यार्थियों ने 14 मेडल जीते, जिसमें कि 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये विद्यार्थी बिना कोई विश्वविद्यालय को औपचारिक सूचना दिए अपने स्तर पर चले गए थे। अगर हमें सूचना होती तो इनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती थी। इससे पहले किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी ने कभी भी अपनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी कि हम खेलों में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी उपलब्धियां देखते हुए विश्वविद्यालय ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ये डिसाइड कर लिया है। माननीय कुलपति ने कहा है कि हम इन विद्यार्थियों को शेष विद्यार्थियों के बराबर, दिव्यांग विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएँ और जो कुछ भी चाहिए, इनकी आवश्यकताएं, वो हम सारी पूरी करेंगे, जिससे कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों के जो खेल होते हैं दिव्यांग युवाओं के, उसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो बल्कि वहां पर मेडल टैली में भी हमें जो है काफ़ी ऊँचा स्थान मिले।